नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। भारत नेपाल के भिट्ठामुर बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण को मंगलवार को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने रोक दिया है। नेपाल पुलिस भारतीय क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोक रही थी। सड़क का निर्माण भिट्ठामुर चौक से मेंस लैंड तक हो रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले लखीसराय में पचना रोड की जर्जर हालत को देखते हुए हजारों की संख्या में ग्रामीण मंगलवार को सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला का निर्माण कर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को चैलेंज देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो बिहार में घुस कर दिखाए। डीजीपी ने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। 8 से 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के साथ साथ संबंधित डीएम को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। विभिन्न मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर जल संसाधन विभाग ने 8 से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की सूचना दी है। कोलकाता से आ रही करीब 80 लाख रुपए के विदेशी शराब और स्प्रिट को आज उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। शराब बड़े ट्रक से लाया गया था जो कोटवा के अहिरौलिया गांव से बरामद हुआ है। बिहार भाजपा महामंत्री देवेश कुमार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलकर एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बिहार भाजपा की ओर से चुनाव आयोग से अपील की गई है कि एक मतदान केंद्र पर अगर 1000 से ज्यादा मतदाता हो तो उसका सहायक मतदान केंद्र दूसरे जगह पर न हो। पटना में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। सोमवार की रात भी चोरों ने पटना के नौबतपुर में अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर वाले कैमरे का ताला तोड़कर 7 कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरजेडी में वार और टकरार बढ़ती जा रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को खुली चुनौती दी है और चुनौती पूरा करने पर तेजस्वी ने राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कह डाली। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने गया जिले के शहरी क्षेत्र पीर मंसूर से ले जयप्रकाश नगर अस्पताल तक बनाए गए कंटेनमेंट जोन का पैदल मार्च कर जायजा लिया। पीर मंसूर के समीप बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों से 50-50 रुपए का चालान काटा गया एवं उन्हें मास्क उपलब्ध कराया गया। पटना नगर निगम बाकीपुर अंचल के कर्मियों का आज गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने काम का बहिष्कार कर दिया। कर्मियों ने काम का बहिष्कार कार्यालय और वार्ड सभी जगह पर किया है। बताया जा रहा है कि काम के बहिष्कार कार्यपालक पदाधिकारी के अर्गल लबैया और समस्या नहीं सुने जाने के खिलाफ किया गया है।